महान उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा नहीं रहे। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली और उन्हें महाराष्ट्र में राजकीय सम्मान दिया गया। जमशेदपुर में सभी राजनीतिक दलों के अधिकारियों और राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा बिकॉज उनको हमने किसी ने कहा नहीं, तो मेरे को नरेंद्रन साहब और हमारे चेयरमैन चंद्रा साहब ने कहा कि नहीं, उन्होंने जैसे ही मैंने गाड़ी घुमाई अंदर में, उन्होंने सबसे पहले बिल्डिंग को देखते हुए बोला, अरे मेरे फादर का म्यूरल लगाया है यहाँ पे और ये पिक्चर उनकी अच्छे पिक्चरों में से एक है। बहुत ऑब्जर्वेंट थे, छोटी छोटी चीज़ को देखते थे और एक स्ट्रॉन्ग व्यू देते थे, ज़्यादा बोलते नहीं थे। हमने देखा है बहुत शाये थे, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन जो बोलेंगे वो बहुत एक पता की बात है। सर हम लोग हमेशा वाच करते हैं हुआ जिसके लिए निशब्द है, कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। रतन टाटा जी ना सिर्फ एक उद्योगपति थे परंतु उनका पूरा जीवन अपने आप में प्रेरणादायक है। जिस प्रकार से वो माननीय मूल्यों का संरक्षण करते थे, जिस तरह से वो इंसान से इंसान के साथ साथ जानवरों से भी प्यार करते थे और जिस तरीके से उनकी सोच थी, सिर्फ रुपया कमाना उनकी सोच नहीं थी, एक देश की प्रगति के प्रति उनकी सोच थी। निसंदेह आज देश ने अपना सच्चा रतन खो दिया है जिसका कि भरपाई करना असंभव है। और सिंघभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बहुत सारी यादें आदरणीय श्री रतन टाटा जी से जुड़ी हुई हैं, जैसा कि आप सबों को विदित है कि 3 मार्च 2012 को सफर, तो वो जीवन के नए सफर में गए हैं। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनका पूर्व की तरह वर्तमान का भी जो नया सफर हो वो अद्भुत हो, माँ भारती के लिए समर्पित हो, ऐसी कामना के साथ हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में उनको जगह दे। बहुत बहुत धन्यवाद। रतन टाटा जी जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है, मैं अपने सभी साथियों से मंत्री जी हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा दबी है सर, उस विरासत के एक योद्धा रहे हैं। जिस विरासत को जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा ने देखा था, बनाया था, विश्वव्यापी सुविधाओं का शहर जमशेद जी नौशेरवान जी की एक कर्म स्थली, उस विरासत को आगे बढ़ाया जीआरडी टाटा साहब ने और उसी विरासत को आगे बढ़ाया उन्होंने।
रतन टाटा साहब, उन्होंने इसको पूरी दुनिया के सामने में इस औद्योगिक पहचान को और बड़ी पहचान उन्होंने दिया। आज निश्चित तौर पर रतन टाटा जी हम लोगों के बीच में नहीं है और ये अकाट्य सत्य है कि जिंदगी और मौत अकाट्य सत्य है, लेकिन रतन टाटा जी की कीर्ति कभी मरने वाली नहीं है। बहुत ही दुखद समाचार रात करीब 11-12 बजे हम लोग को मिला है कि रतन टाटा साहब नहीं रहे। रतन टाटा साहब को हम लोग केवल एक उद्योगपति के रूप में नहीं जानते थे, रतन टाटा साहब भारत के रत्न थे। और मैं तो पहले आग्रह करूंगा भारत सरकार से कि उनको भारत रत्न की उपाधि जल्द से जल्द दी जाए। भारत रत्न के इसलिए हकदार हैं कि उन्होंने देश के लिए जितना बड़ा काम किया है शायद ही कोई भारत के लिए इतना काम किया होगा। और केवल देश के लिए नहीं, उद्योग जगत के तो विश्व पितामह थे और साथ साथ मजदूरों के भी बहुत बड़े हितैषी थे और मजदूर के परिवार के लिए भी। यह बहुत ही दुखद समाचार है हम लोगों के लिए, मजदूर जगत के लिए, मजदूर नेताओं के लिए, कंपनी के लिए और देश के लिए। लेकिन नियति ने जो तय कर रखा है वो तो सबके जीवन में होता है। आज एक्चुअली हम चाहते थे कि उनके ये जो अंतिम संस्कार है उसमें सम्मिलित हों, लेकिन अभी खबर मिला है कि 10 बजे दिन को उनका बॉम्बे में पार्थिव शरीर रखा जा रहा है जहां लोग दर्शन करेंगे और वहां से बॉम्बे जाना संभव नहीं है 10 बजे तक, अन्यथा मैं वहां होता। मैं जीवन में बहुत करीब उनके रहा हूं, बहुत ही क्लोज रहा हूं। और मरणोपरांत मिलेगा उनको, देगा लोग, लेकिन वही अगर उनके जीवन में अगर दिया जाता तो हम मजदूरों को काफ़ी खुशी होती कि ऐसे व्यक्ति को जो जिन जो उनका अधिकार था और जिस टाटा कंपनी और अनेक कंपनी उन्होंने बना दिया उस कंपनी को आगे बढ़ाने में चंद्रशेखरन जी हो, हमारे एमडी श्री टीवी नरेंद्रन जी हो, ये सब लोग उनको शक्ति दे